वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार दही वाले आलू। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 kg आलू लिए हुए हैं, जिसके इस तरह से पीसेस बना लेंगे। तो सारे आलू के इस तरह से पीसेस बनाने के बाद यहाँ पे हमने 1/2 कप ऑयल लिया हुआ है। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम आलू ऐड करेंगे और इसे फ्राई होने के लिए रखेंगे। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 कप दही लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को हम दही में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, आलू को पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, इसे 50% फ्राई करके निकालेंगे। अब उसी ऑयल में हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 1 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 ड्राई मिर्च इस तरह से कट करके ऐड करेंगे और सोते करेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद में हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को हम नरम होने तक फ्राई करेंगे। जब इस तरह से लाइट गुलाबी हो तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। दही में जो मसाला मिक्स करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके सारा मसाला ले लेंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फटाफट चमचा चलाते हुए भून लेंगे, वरना दही हमारा फट जाएगा। तो दही का पानी ड्राई होने तक इसे भून लेंगे। तो इस तरह से दही का पानी ड्राई होने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1/4 ग्लास पानी ऐड करेंगे और कवर करके स्लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो इस तरह से आलू को हमने पका लिया। आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और 2 मिनट बाद सर्व करेंगे। तो इस तरह से दही वाले आलू की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस। इसे आप चपाती, रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।